इंदौर में वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे दिन प्रशासन ने 1.25 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। दोपहर तक 45,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका था। वहीं निगमायुक्त ने भी आम लोगों से अपील की है कि जो लोग छूट गए हैं वो जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाएं। गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने में जुटा है ताकि शहरवासियों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाया जा सके। अभी चूंकि वैक्सीनेशन महाअभियान का आज दूसरा दिन है और आज की हम लोगों की तैयारियां 1.25 लाख वैक्सीनेशन की है, 1.25 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की है। अभी अगर हम सुबह से देखें पूरे शहर भर में, पूरे ज़िले भर में 800 ऐसी साइट्स बनाई गई हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है, और इसमें अभी सवेरे से 12 बजे की जो अपडेट थी उसमें 45,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, डिमांड आ रही है, शाम होते होते डेफिनेटली 1.25 लाख लोगों को हम लोग वैक्सीनेट करेंगे। मेरी सभी लोगों से अपील भी है कि जो लोग छूटे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वो लोग खुद अपनी फैमिली के साथ में, अपने जानने पहचानने वालों के साथ में वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि ये जून का आखिरी सप्ताह चल रहा है और जो एम्स के डायरेक्टर का जो कोट है तो उसके हिसाब से अगर हम मान के चलें 4 सप्ताह का जो हमारे पास समय है थर्ड वेव से पहले का, उसमें जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी उतना ज़्यादा सेफ्टी इस शहर की रहेगी और हम लोग जो हर बार लॉकडाउन, अनलॉक ये सभी फेजेस जो देखते हैं उससे शहर को नहीं गुजरना पड़ेगा।